बच्चों आज आपकी क्लास 10th का संस्कृत का प्रथम मूल्यांकन पत्रक आया है, तो बच्चों वो करेंगे हम। बाकी सब्जेक्ट के बच्चों हमने अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों आज शुरू करते हैं, आपका संस्कृत का क्या आया टेस्ट में? तो पहला पोर्शन है शुचि पर्यावरणम इति पाठ है विरचितम। तो जो शुचि पर्यावरण पाठ है ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक का क्या नाम है? हरिदत्त शर्मन। तो इसका आंसर आएगा अ। प्रश्न दूसरा है शुचि पर्यावरणम इति पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है? तो इसका आएगा आंसर बच्चों लस लतिका यानी ब। तीसरा प्रश्न है शत शक्तियानम मुंजति, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों धूमम यानी धुआं। चौथा प्रश्न है महानगरे कीदृश भक्ष्यमस्ति, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा कुत्सित वस्तु मिश्रितम द। पांचवा है कवि ग्रामांते प्रपश्यति निर्झर नदी, तो बच्चों इसका आंसर आएगा अ। अगला है बच्चों खालिस्तान है माला रमनीहा, तो यहाँ आएगा ललित लता नाम, तो ब इसका आंसर आएगा। अगला है दशनह शब्द से अर्थमस्ति, तो दशनह का क्या अर्थ है? दांतों से। अगला है आठवां शुचि पर्यावरण इति पाठस्य विद्यास्ति, तो कौन सी विद्या है बच्चों? ये पद्य विद्या है, तो इसको आंसर आएगा ब। अगला है नौवां पर्यावरण इति शब्द से संधि विच्छेद मस्ति, तो बच्चों संधि विच्छेद करना है पर्यावरण का, तो आ जाएगा परि प्लस आवरण अ। दसवां है शुचि पर्यावरणम इति पाठस्य अंतिम पंक्तिषु कविः काम्यति, इसका आएगा मानव जीवनाए, मानव जीवन की कल्पना कामना करता है। ग्यारहवां है मानवा नाम संस्मरण संसरण, तो यहाँ पर आएगा बच्चों अभवत कठिनम, मानवों का चलना कठिन है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। बारहवां है पाषाणी सभ्यता इति पदे विशेषण पदम किम, पाषाणी विशेषण पद बताना है, तो विशेषण पद आगे वाला होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ब। 13वां है करणीयम इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय अस्ति क्र प्लस अनियर। 14 से 16 प्रश्न है बच्चों सम्यक पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 14वां है ध्रुवहम जीवितम जातम, तो यहाँ आएगा अत्र, ध्रुवहम अत्र जीवितम जातम। 15वां है पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृते आराधना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ही प्रकृति की आराधना करना है, पूजा करना है, तो इसका आंसर आएगा अ। अगला 16वां है बच्चों प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, तो इसका द ऑप्शन आएगा बच्चों। 17वां है सलिलम पदस्य प्राय पद्मस्ति, तो यहाँ पर सलीलम का आपको अर्थ बताना है, इसका अर्थ है जलम। 18वां है बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य विद्यास्ति, तो आपका जो दूसरा पाठ है बुद्धि बुद्धि बलवर्ती, इस पाठ ये पाठ किस विद्या में? तो आएगा गद्यम में यानी गद्य विद्या में। बुद्धि बलवती बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ है ग्रंथराज संकलित अस्ति, ये किस ग्रंथ में संकलित है? तो आएगा शुक सप्तति, स इसका आंसर आएगा। ऊपर वाले का बच्चों से आएगा। 20वां है राज सिंह ग्राम में वस्ती सम, राज सिंह का कौन से ग्राम में रहता था? देवलाखियों में अ में। तो इस तरह से आपका आज का संस्कृत का जो टेस्ट आया था बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब आप करके टीचर जी को दिखाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। आपके अदर सब्जेक्ट के जो भी टेस्ट आए वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा और इनको याद भी रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दो स्कूल में जाके तो आप खुद ही कर पाओ। आपको क्या करना है? याद करना है। थैंक यू।